हिंदी से मैंने हिंदी एम ए कर रखी है, अभी तक बहुत सारे लोगों ने पता ही नहीं था इस बात का, हिंदी से एम ए कर रखी है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ लोग, मैं तो नहीं मानता, मैं तो रेणवी में लटकाटू हूँ जी, फिर भी कुछ लोग कहीं अगर टोल खड़ा है इंग्लिश जो बोल रहे हैं उनके दोहरे जान में शर्मावा है कि हिंदी बोलांगे तो थोड़ी रेपुटेशन कदर डाउन हो जावे। मम्मी बोलिए, मोम बोलिए, या और कोई मॉडर्न शब्द आ गया है वो भी बोल सकते हैं आप, लेकिन जब तक आप माँ शब्द यूज नहीं करेंगे, माँ शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक आपके मन में संतुष्टि नहीं होगी। बाछड़ा है, बाछड़ी है, वो जब रंभ है और जो माँ शब्द वो बोल रहे हैं तो सच में एक फीलिंग आवा, एक ओम शब्द से जैसे जुड़ा है। सारे भैया ने भाई मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू है, विषय है हिंदी, बड़ा सीरियस विषय है, क्योंकि मारे भाई मारी बहन हिंदी के आगे जब किसी के आगे बोल है ना तो उन्हों कहें भाई थोड़ा सा मोरल डाउन हुआ है, डिमोरलाइज हो जाए वहाँ, थोड़ा सा प्रेशर में आ जाए वहाँ। तो एक हिंदी का आज विषय था, ज़रूरी था, तो आज मैं आया हूँ भिवानी, भिवानी की बंसीलाल यूनिवर्सिटी में, और वहाँ पे भी कहाँ पे, बंसीलाल यूनिवर्सिटी के PRO ऋषि राम जी, श्री ऋषि राम जी सर के पास। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी, सभी दर्शकों को भी मैं नमस्कार करता हूँ। और जगदीप भाई आज हमारे पास आए हैं जी इस विषय को लेकर के, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि मातृभाषा और मातृभूमि का कोई विकल्प नहीं है जी। सही, मेरा ये मानना है कि मातृभाषा, मातृभाषा को जब आप प्रयोग करते हैं, जब आप शब्द यूज करते हैं, जब तक आप अपनी मातृभाषा नहीं बोल लेते, आप किसी भाषा में बात करें, कुछ भी सीखें, आपकी आज़ादी है, लेकिन जब तक आप मातृभाषा में बात नहीं कर लेते आपको संतुष्टि नहीं होती है। और उसी में एक बात मैं कहना चाहूँगा जी, ले, मैं एक थोड़ा सा आपने इंटरप्ट करूँ, हिंदी से मैंने हिंदी एम ए कर रखी है, अभी तक बहुत सारे लोगों ने पता ही नहीं था इस बात का, हिंदी से एम ए कर रखी है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ लोग, मैं तो नहीं मानता, मैं तो रेणवी में लटकाटू हूँ जी, फिर भी कुछ लोग कहीं अगर टोल खड़ा है इंग्लिश जो बोल रहे हैं उनके दोहरे जान में शर्मावा है कि हिंदी बोलांगे तो थोड़ी रेपुटेशन कदर डाउन हो जावे। आप इसलिए चुने क्योंकि आपने हमेशा हिंदी को ही प्रेफर किया, हिंदी में ही शब्द लिखे, पत्र लिखे, और बड़े बड़े अधिकारी भी आपसे लिखवाया करते भाई हिंदी में आप ही लिख दो, आप हिंदी के बड़े अच्छे विशेषज्ञ हो, हिंदी पत्रकारिता भी आपने कर रखी है। देखो जगदीप भाई, मैं विशेषज्ञ तो नहीं कहूँगा, मैंने स्नातक की जो उपाधि है वो पत्रकारिता में की है, स्नातकोत्तर भी मैंने पत्रकारिता में की है, और पत्रकारिता मेरा क्षेत्र रहा है, और अब भी मैं विश्वविद्यालय के लिए पत्रकारिता का ही काम कर रहा हूँ। लेकिन आपके पास लेकिन है ना, यूं लगे भाई ये हिंदी के बहुत हाई हाई फाइल प्रोफेसर हैं और इनसे अच्छी हिंदी कोई बोल ही नहीं सकता। नहीं, वो क्या है जगदीप भाई कि मैंने हिंदी में काम किया और मैं, मेरा विशेष तौर पे हिंदी से लगाव रहा है, और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पिछले 4 साल से मेरा ज़्यादातर काम मैं हिंदी में करता हूँ, मेरी फाइलों का काम भी, जो पत्र व्यवहार है वो ज़्यादातर शुरू से ही हिंदी में मैं करता आ रहा हूँ, और यहाँ पे हिंदी विभाग भी है, उसका भी अच्छा कार्य है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ कि हिंदी सब भाषाओं की माँ है, और माँ का दर्जा भगवान से भी बड़ा है। माँ जो शब्द है, आप कुछ भी, हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें हैं, हम अंग्रेजी में बात करें, भाषाएँ आप सीखें, परंतु हम अपनी मातृभाषा को ना छोड़ें। आप देखिए, मम्मी बोलिए, मोम बोलिए, या और कोई मॉडर्न शब्द आ गया है वो भी बोल सकते हैं आप, लेकिन जब तक आप माँ शब्द यूज नहीं करेंगे, माँ शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक आपके मन में संतुष्टि नहीं होगी। क्या बात है, माँ एक ऐसा शब्द है जिससे कंठ से निकलता है, जीवा और तालु की मदद से कंठ से निकलता है, परंतु ये हृदय और मस्तिष्क दोनों को प्रभावित करता है। जो विशेष ध्वनि निकलती है वो ओमकार, जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं जिससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, इस प्रकार से माँ शब्द से एक विशेष ऊर्जा का संचार होता है, और वही ऊर्जा हमारी आत्मा की तृप्ति भी करती है और हमें एक विशेष शक्ति प्रदान करती है। हिंदी, सनातन धर्म और गौ माता, इनका क्या कुछ रिलेशन है? बिल्कुल, इनका रिलेशन मैं ये कहूँगा जगदीप भाई कि गौ माता को समाज में ही नहीं, सनातन धर्म में हर जगह पूजनीय माना गया है, और आज तो आप देख रहे हैं कि कोरोना काल में लोगों ने इसका अनुसरण किया है,
और गऊ माता का आप गऊ माता जैसे हमारे देश में है, दूसरे देशों में भी गऊ होती हैं, गऊ माता हैं, तो उनकी अलग अलग नस्ल हैं। कोई बोलता है कि ये साहिवाल है, कोई बोलता राठी है, कोई देसी है, कोई बोलता अमेरिकन है, कोई बोलता है कि ये पहाड़ी है, कई कई प्रकार की श्रेणियां इसकी बना रखी हैं। परंतु गऊ माता तो गीर गायें भी है जो गुजरात में दूध के लिए विशेष तौर पे उसको प्रसिद्ध माना गया है। तो मैं ये कहूँगा कि गाय जो है ना वो हमारे लिए पूजनीय है, माँ है, उसमें सभी देवता निवास करते हैं और गाय को माता का दर्जा दिया गया है और उसके जो भी गोवंश हैं, बछड़ा हो बछड़ी हो, उनकी आप आवाज देखेंगे ना तो माँ माँ शब्द क्या बात है, माँ के उसमें राम ने का वो करती हैं। और उसका अगर आप देखेंगे, मैं विशेषज्ञ तो नहीं हूँ परंतु हमारी संस्कृति और ये एक बड़ा रिसर्च का विषय है, अगर इसकी गहराई तक जाए तो ये अध्यात्म और हमारी संस्कृति को वहाँ तक पहुँचाता है जहाँ तक विदेशी और पश्चिमी सभ्यता के लोग तो सोच भी नहीं सकते। देखो यार, मैंने तो इतना मजा आया माँ शब्द बोलने में, और जो बाछड़ा है बाछड़ी है वो जब रंब है और जो माँ शब्द वो बोल रहे हैं तो सच में एक फीलिंग आवा, एक ओम शब्द से जैसे जुड़ा है। ओम शब्द हमें परमात्मा के और अध्यात्म के जितना करीब लेके जाता है ना, उसी तरह माँ और ओम की ध्वनि एक जैसी है और इसमें एक ऐसी ऊर्जा निकलती है। ओम से तो आपने देखा होगा, योग में भी बताया गया है, प्राचीन हमारे ग्रंथों में बताया गया, बहुत सारी बीमारियों को समाप्त करता है। नकारात्मक ऊर्जा तो आपके नज़दीक फटक ही नहीं सकती अगर आप ओम का उच्चारण करोगे तो। ओम में तो सब कुछ व्याप्त है, एक तरह से संपूर्ण सृष्टि को माँ शब्द आत्मसात करता है। क्या बात है, गजब हो गया भाई। मेरा आना सकारात्मक सिद्ध हुआ बंसीलाल यूनिवर्सिटी में, ऋषि राम सर ने जो आज एक्सप्लेनेशन दिया है माँ शब्द की, ओम शब्द की, हिंदी शब्द, हिंदी भाषा की, सनातन धर्म, हिंदी और गौ माता पे जो एक्सप्लेनेशन दी है, और इन सब को जो इकट्ठा एक लाइन में जोड़ दिया, जो इनका संबंध बना दिया है, वो अविश्वसनीय, अतुलनीय, गजब, अनएक्सपेक्टेड। आज मेरे को ये एक शब्द मुझे मिला, और भाई सीरियसली मैंने जो आज फीलिंग आई, घर पे जब मैं मम्मी मम्मी करूँ हूँ तो उसकी बजाय मैं आज से ही माँ शब्द माँ ही बोला करूँगा। कितने भाई इस बात का निर्णय ले हुए हैं कि भाई हम मम्मी की जगह माँ बोलेंगे, माँ शब्द ध्यान से एक्सप्लेनेशन करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइयो। कितने भाई आज से यह प्रतिज्ञा ले हुए हैं कि मैं मम्मी नहीं बोलूँगा, मैं माँ शब्द बोलूँगा, माँ माँ शब्द बोलूँगा, और माँ से क्या फीलिंग आवे है यार। मैं तो मेरा चैनल पे जितने भी आज तक इंटरव्यू है, मेरी मेरी माँ का ज़रूर जिक्र कराया है, और एक यह शब्द और यहाँ से मिला तो मैं तो इस शब्द ने जरूर जोड़ूंगा। कितने भैया ने शर्म आवा है आज मम्मी से माँ कहण में, और कितना ने गर्व महसूस होगा मम्मी से माँ कहण में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए भाई। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं सर, जो हिंदी से एमए कर रहे हैं, जो इंग्लिश से एमए कर रहे हैं, हम क्यों एक दूसरे से कॉम्प्लेक्स फील करा? देखिए ये जगदीप भाई आपकी बिल्कुल बात सही है जी, कि जिन लोगों ने हिंदी से एमए कर रखी है उसके सामने कोई दूसरी इंग्लिश भाषा का कोई व्यक्ति बातचीत कर रहा है तो वो अपने आप को थोड़ा सा कुछ हीन भावना महसूस करता है, कमज़ोर महसूस करता है। परंतु मेरा ये मानना है कि भाषा ज्ञान का पैमाना नहीं है। आप किसी भी भाषा में आप अच्छे ज्ञानी, अच्छे विद्वान हो सकते हो, बेशक आपको इंग्लिश ना आती हो, परंतु एक ये इस प्रकार का प्रचलन बढ़ गया कि जिसको अंग्रेजी के दो शब्द आगे वो इंटेलिजेंट, वो सब कुछ है, वो सब कुछ जानता है, जिसको हिंदी आती है वो अनपढ़ है, वो उसको थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि अनपढ़ भी समझते हैं, कमज़ोर भी समझते हैं, कि शिक्षा का इसको शायद कम ज्ञान होगा, परंतु हिंदी अच्छे अच्छों की हिंदी करती है और हिंदी भाषा से बढ़ के कोई भाषा नहीं है। क्योंकि मोदी जी जब आए उन्होंने बहुत सारी जगह दूसरे देशों में बहुत सारे देशों में हिंदी से अपने भाषण शुरू कर दिए, हिंदी का प्रचलन बढ़ गया, लेकिन इंग्लिश मीडियम स्कूल भी तो शुरू कर दिए ना, कहीं ये नहीं लगता कि भाई हिंदी का है और वहाँ पर जाने में हमने फील आवा अच्छी। देखिए ये सरकार ने इसलिए किया क्योंकि हमारे जो युवा हैं वो विदेशों में भी जाते हैं तो उनके लिए थोड़ी सी
काम करने की जो दिक्कत आती है, इसलिए दूसरी भाषा सीखने की आवश्यकता होती है, उसके लिए उसको रखा गया था। परंतु हमारी जो शिक्षा नीति थी वो सही नहीं थी, हमें जो पढ़ाया गया वो सही नहीं पढ़ाया गया। उसमें केवल और केवल जो लॉर्ड मैकाले की जो नीति थी उसका मकसद था कि भारत की संस्कृति और शिक्षा को नष्ट किया जाए, क्योंकि अगर किसी राष्ट्र को आपने गुलाम रखना है, उसको नष्ट करना है, उसको हानि पहुँचानी है, तो आप उसकी शिक्षा और संस्कृति पर प्रहार करें। ये अंग्रेज़ों की नीति थी और उन्होंने ऐसा हमारी शिक्षा और संस्कृति के साथ किया, जिसी के बदौलत ही हमारा देश गुलाम भी रहा। और मैं आपको बताऊं कि अब जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें कई सारी बातें आई हैं, व्यवहारिक शिक्षा को बढ़ावा मिला है, अपनी मातृभाषा की आज़ादी मिली है, तो ये सारी चीज़ें अब पुनः भारत एक बार, जैसे आपने सुना भी है पढ़ा भी है कि भारत विश्वगुरु होता था, यहाँ नालंदा था, तक्षशिला थी, ऐसे विश्वविद्यालय थे जिनको नष्ट कर दिया अंग्रेज़ों ने, जहाँ पे वहाँ के राजकुमार जो थे वो पढ़ने आते थे। हिंदुस्तान ने तो हमेशा शिक्षा की अलग जगाई है पूरे विश्व में, पुनः फिर अलग जगाएगा हिंदुस्तान। चलो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी जी। तो आज ऋषि राम सर से जो आज हमने सीखने को मिला, भाई मैं तो बड़ा इनका फ़ैन हो गया, और नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगा तो कुछ ना कुछ ऐसे ही विषय छोटे छोटे से टुकड़े लाया करूँगा। बड़ा इंटरव्यू करूँगा तो फिर आप देखोगे नहीं, छोटी छोटी हल्की हल्की 5-5 mg की टैबलेट आपका हजम हो जाऊँगी, 250-500 mg की होती नहीं। अभी मैं एक बात अक्सर नोट करता हूँ, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम हम यूज़ करते हैं, गुड मॉर्निंग इंडिया यूज़ करते हैं, लेकिन नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि कभी नहीं बोलते, हिंदुस्तान जिंदाबाद कभी नहीं बोलते। बोल के देखो भाई, जाति धर्म भेदभाव से हटके यह हमारे देश की गौरवान्वित भाषा है। धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की।